हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि लिनक्स सर्वर में DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होता है। सबसे पहले तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका ये काम होता है कि एक सर्वर से और बाकी क्लाइंट्स को IP एड्रेस अपने आप से असाइन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपके 500 PCs हैं, तो उनको अगर आपस में आपको एक नेटवर्क में लेकर आना है तो आपको सब में IP एड्रेस असाइन करना होगा, जो कि बहुत टफ काम है। तो तब सिंपली हमने अपने लिनक्स सर्वर को DHCP सर्वर बनाया और वो PC जैसे ही स्टार्ट होंगे, IP एड्रेस उनको अपने आप से असाइन हो जाएगा लिनक्स सर्वर से। ओके, तो सबसे पहले तो जब आप अपने इस प्रैक्टिकल के लिए लिनक्स में मेरे वर्चुअल मशीन में है और ओरिजिनल में विंडो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं लिनक्स को DHCP बनाऊंगा और इसको IP एड्रेस अपने आप से असाइन होगा। अभी इसको क्या IP एड्रेस है देख लेते हैं। अभी इसको कोई IP, अभी इसको शायद मेरे ख्याल से, हाँ जी, अभी इसको आपके अपीपा असाइन है। ओके, तो अपीपा क्या क्या चीज़ होता है? ऑटोमेटिक प्रोवाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब कंप्यूटर को कहीं से भी IP एड्रेस नहीं असाइन होता है, तब वो अपने आप को खुद एक IP एड्रेस असाइन करता है और गाइस, इट इज़ कॉल्ड अपीपा। जो अपीपा होता है उसकी रेंज हमारी 169.254 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी आप देखिए, अभी इसको अपीपा ही असाइन है, ये देखिए, है ना। ओके, अब इसको हम जब DHCP बनाएंगे तो इसको भी IP एड्रेस असाइन होगा। सबसे पहले इसमें आपको DHCP के पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, तो उसके लिए पहले YUM सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होगा। YUM सर्वर कैसे बनाते हैं, मैंने इस पर पहले से ही प्रॉपरली एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो सिंपली मैं आता हूँ, YUM इंस्टॉल DHCP एस्ट्रिक और हाइफन बी वाई, पैकेज अभी हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 9 पैकेजेस थे DHCP के डिपेंडेंसीज के साथ में, और ये हमारे अप्रॉक्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जो अच्छा, उससे पहले अब जब ये इंस्टॉल्ड हो गया तो हमें अपने लिनक्स की मशीन को भी पहले IP एड्रेस असाइन करना होगा। तो IP एड्रेस के लिए कमांड होती है NMTUI एंटर और एडिट। मैंने इसमें पहले से ही 50 की रेंज में 1 IP एड्रेस असाइन किया हुआ है। IP एड्रेस कैसे असाइन होता है, इस पर भी एक वीडियो पहले से ही अपलोड है। तो पहले आपको इसमें IP एड्रेस इसको असाइन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें 50 की रेंज में 1 IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट इसको एक्टिवेट एक बार, आई जस्ट चेक कि क्या ये एक्टिवेट है, तो एक बार डीएक्टिवेट और फिर एक बार एक्टिवेट। अब ये मेरा एक्टिवेट भी हो गया और मैं क्विट हो गया। अभी सिर्फ पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है और इसमें IP एड्रेस हमारा असाइन हुआ है। DHCP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी होती है विम ETC के अंदर, DHCP के अंदर DHCPD.conf। इसमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है। जब इस फाइल में हम लोग आए तो इस फाइल में तो है कि पहले एक सैम्पल आपको कॉपी पेस्ट करना होगा जो कि इस लोकेशन पर है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो CP-P का मतलब होता है कि फुल की जो परमिशन इस फाइल को है वो इसमें भी असाइन हो जाए। तो जो हमारी फाइल थी वो थी वेयर के अंदर, USR के अंदर थी, USR के अंदर शेयर के अंदर डॉक के अंदर DHCP के अंदर DHCP सर्वर के अंदर और DHCPD.conf DHCPD.conf.example, ठीक है। अच्छा, ये कमांड अभी आधी अधूरी है। ये फाइल आपकी सेव हो जाए ETC के अंदर DHCP के अंदर DHCPD.conf।
ये फाइल के अंदर जो भी कुछ है वो सब इसके अंदर हमारा सेव हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पर आया और ये सेव होना यहाँ पर शुरू हो गया, अब वापस हम उसी फाइल में आ जाते हैं और उसी फाइल में आप देखिए अब ये सब 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 कुछ आ चुका है। तो इसमें बहुत कुछ है, तो अभी हमारा काम होगा इसमें अ स्लाइटली डिफरेंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपका ऑप्शन है सबनेट, उसमें ये है कि जो आपके पीसी का आईपी एड्रेस है वो किस नेटवर्क में है। तो वो हमारा 50 की रेंज में था, तो हमने कहा जी 50.0.0, ठीक है। और सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ आपके ऊपर है। तो मैं सिंपल इसे क्लास ए का ही आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, ओके। आफ्टर दैट ये है रेंज कि जब कोई भी क्लाइंट आपसे अटैच होगा तो उसको आईपी एड्रेस किससे स्टार्ट हो और कहाँ तक ख़त्म हो जाए। तो हमने कहा जी आईपी एड्रेस 50.100 से स्टार्ट हो और 50.0.0. फॉर एग्जांपल 150 तक असाइन होगा। इसके बाद में इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आपके सर्वर में DNS सर्वर है ये, तो इसका नाम इसमें आपका आ जाएगा, बट अभी तो हमारा है नहीं। तब इस केस को इस लाइन को हमें एज अ कमेंट करना होगा। कमेंट का अर्थ होता है कि फाइल ओनली इस पर पढ़ेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये कमेंट होता है आपका प्रेस हैश से। अब ये लाइन हमारी कमेंट हो गई। सेम यहाँ पे DNS अभी हमारा है नहीं, तो कमेंट। राउटर अगर आपके पास में है तो वो भी आप आईपी एड्रेस, बट अभी हमारा है नहीं, तो एड्रेस प्रेस हैश। और ब्रॉडकास्ट भी अभी हमारा नहीं है। ये है कि जब कोई क्लाइंट अटैच होगा तो कम से कम इतने टाइम में उसको आईपी एड्रेस असाइन होगा और अधिक से अधिक वेट होगा इस टाइम तक। ये टाइम आपका सेकंड्स में है, ठीक है। तो ये मेरा काम हो चुका है, बस इसमें इतना ही काम होगा। मैंने फाइल को सेव किया और सर्विस को एक बार रीस्टार्ट, तो सिस्टम CTL स्टार्ट DSCP TID, इट मीन कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डेमन। एंटर होते ही ये सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बट अगर आप चाहते हो कि अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट हो तब भी ये सर्विस आपकी अपने आप से स्टार्ट हो जाए, तो कमांड होगी सिर्फ स्टार्ट को हटा के आ जाएगा आपका इनेबल। ओके, अब ये हमारा हो चुका है, तो ये इतना ही काम होगा। अब ये हमारा क्लाइंट है, मैंने इसके नेटवर्क को एक बार बंद किया और एक बार इनेबल किया। ये देखिए आईपी एड्रेस क्या है, इसको असाइन हुआ वहाँ पर। हमारा 50 की रेंज 100 से स्टार्ट हुआ था, तो क्या आईपी इसको आया, देखिए 101 से इसको आईपी एड्रेस आना शुरू हो गया। ऐसे ही और भी अगर आपके पीसीज होंगे तो उनको भी ऐसे ही आईपी एड्रेस आगे असाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। अब एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि कोई आपका पीसी है और उससे प्रिंटर अटैच है और पूरा ऑफिस उसी से ही प्रिंट आउट निकालता है। तो अगर एवरी डे अगर वो पीसी आपका रिस्टार्ट होगा तो जी आईपी उसका चेंज भी हो सकता है। तब उस केस में हर बार आईपी एड्रेस प्रिंट आउट के लिए अलग अलग चेंज होगा। तब अगर आप चाहते हो किसी पीसी में आईपी एड्रेस बिल्कुल फिक्स हो जाए बट आईपी एड्रेस उसको DSCP से ही असाइन हो, तब उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। सबसे पहले आप फाइल में आओगे, इस प्रैक्टिकल को हम लोग कहेंगे कि किसी पीसी के लिए DSCP सर्वर से आईपी एड्रेस फिक्स करना, कि वो पीसी अब चाहे कि मतलब जितनी बार भी रीस्टार्ट होगा बट आईपी एड्रेस उसको आपको यही असाइन होगा। तो इसके लिए कमांड ऐसे होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका होस्ट क्या है, तो हमने कहा जी हमारा होस्ट है प्रिंटर, जो हमारे ऑफिस में एक है उसमें प्रिंटर अटैच है, उसका मैक एड्रेस क्या है, तो उसके
तो उसके मैक एड्रेस की एंट्री आपकी ऐसे हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इस पीसी इस विंडोज़ का मैक एड्रेस क्या है, तो आप चाहे तो बहुत सिंपली आप उसी के ऊपर आइए, राइट क्लिक होगा, आप स्टेटस पे आइए और आप डिटेल्स ऑप्शन पर आइए, ये सामने देखते देखिए ये रहा आपका मैक एड्रेस, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं एक बार इसी को ही असाइन करता हूँ, इसका था 00। ओके 00 कॉलन और था हमारा 26 कॉलन 9E कॉलन FD कॉलन और 9F और कॉलन B0। ओके ये हमारे PC का मैक एड्रेस है जो मैंने अभी आपको शो किया था विंडोज़ का, और इसको कौन सा IP एड्रेस हमेशा असाइन हो, हमने कहा जी हमेशा इसको IP एड्रेस असाइन हो 50 की रेंज में 140, ठीक है। IP एड्रेस हमारा असाइन हो चुका है, एक बार सर्विस को फिर से हमने रीस्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो हमारा PC है उसको IP एड्रेस 140 ही असाइन, एक बार इसको मैंने डिसेबल किया और एक बार इनेबल किया, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है हमारा। और देखिए इसको IP एड्रेस हमारा 140 असाइन हो गया। तो गाइस इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि DHCP सर्वर कैसे काम होता है और कैसे उस पर स्टैटिक IP एड्रेस हमारा फिक्स होता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।